हेलो। हे बिली, आज की रात एक पार्टी है, तुम्हें भी आना है वहां। तुम श्योर हो? ओए बिली। हाँ। अपने कंधे का जरा ख्याल रखना। वो सारा दिन मेरे पापा के पैसों से शॉपिंग करती है। 67% यकीन होता है ये मार्क्स मुझे शॉ ने दिए? मुझे लगता है उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है। पता है मैंने कितना रिसर्च किया था इस प्रोजेक्ट के लिए, और उनका क्या कमेंट आता है इसके ऊपर कि ये रंग खेल नहीं रहा है। लगता है वो डैड को धोखा दे रही है। क्या किसी ने तुमसे कहा है कि तुम बहुत प्यारी हो? माँ के अलावा किसी ने नहीं। शायद तुम्हारे पापा भी ऐसा ही सोचते हैं, इसीलिए मुझे वो डराते हैं। वो तुम्हें डराते हैं? तुमने कभी देखा है वो मुझे कैसे देखते हैं जब हम एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं? ये वहम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने बिजनेस में उलझे रहते हैं। ठीक है, लेकिन सच में तुम्हें उस लालची औरत को भूल जाना चाहिए। मेरा मतलब, तुम जितना उससे लड़ोगी उतना ही तुम अपने पापा को तकलीफ भी दोगी। ये तो तुम्हारे साथ भी है और शौक के साथ भी। हाँ, लेकिन मेरे मार्क्स उन पर टिके हुए हैं और वो स्टाइल के बारे में कुछ नहीं जानती है। क्या तुम फिर से मेरे घर आना चाहोगी? नहीं आ सकती, डैड ने मुझे घर टाइम पे आने को कहा है, लेकिन हम स्काइप पे हैं। ठीक है। चुप करो, मुझसे ऐसी बात मत करो, तुम बहुत गंदे हो। ठीक है, मुझे अभी जाना होगा, जैसे वो आ जाए मुझे कॉल कर देना। ओके बाय। हाय स्वीटहार्ट। एनी, मेरी बैग लेके आ जाओ। टाइगो, अभी नहीं। एक परेशानी हो गई है, दरअसल बात सिमोन की है। क्या वो यहाँ है? नहीं, मुझे उसी के बारे में बात करनी थी। हमें इतना पता चला कि वो शहर छोड़ रहा है। कब? अभी इसी वक्त। तो उसका ख्याल रखना। वो एक पागल साइको है, मैं उसके साथ सौदा नहीं कर सकता। बेले, मेरी तरफ से तुम जाओ। ठीक है।
बॉस्को, बॉस्को क्या चल रहा है? कैसे हो तुम यार? क्या चल रहा है मेरे भाई, मेरी जान? कैसे हो यार तुम? हाथ मिलाओ। वैसे इस वक्त तो तुम्हें अपने अड्डे पे होना चाहिए था। बॉस तुमसे मिलना चाहते हैं। क्या बॉस? तुम्हारे बॉस? क्यों नहीं, कभी भी, जब भी हो चाहे, जब भी हो चाहे। लेकिन कल कैसा रहेगा भाई? 3 बजे कैसा रहेगा? हाँ 3 बजे अभी, मेरा मतलब हाँ चलो अभी चलूंगा। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। टाइलो फिर से मिलके बहुत अच्छा लगा तुझे। हा? अच्छा कर रहा है तू। ए जिमी, ये गरम खोपड़ी वाला कौन है? इसकी भी तो कोई जिम्मेदारी होगी। ये पहली बार है ना जो तुम यहाँ डिलीवरी के लिए आए हो? मेरा मतलब, तुम्हारा धंधा मेरा धंधा है, मैंने तुम्हें बनाया है, वरना तुम कुछ नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे तुम कहो बड़े भाई। अरे पता है मैंने ऑफिस में कुछ बियर रखे हैं, क्यों ना हम जाके उन्हें खोले और एंजॉय करें। चलो ये सामने वाले दरवाजे से, चलो आ जाओ। नहीं यहाँ से जाएंगे अगर अपन राइट लेंगे तो। ये बुरी बात है, मुझे नहीं पता था कि तुम आ रहे हो, वरना मैं ये सब साफ कर लेता। मैं वो पानी वाला फुसफुस भी लेके आता, पता है उससे सब साफ हो जाता है। आ जाओ बैठो। बियर कहाँ है? एक सेकंड आता हूं। चीयर्स। तो मैं लो, तुम्हारी माँ कैसी है? ओ, क्या कहूँ, ठीक ही है, अभी तक काम करती है। हमें लगता है कि तुम्हारे काम में कुछ दिक्कत है। ओ, ऐसा है क्या? तुम्हें पता है मैं कितना खुश था जब हमारे ग्राहक ने कहा था मेरा माल ताजा नहीं है। ताजा नहीं है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। चैंग मुझे जो भी देता है मैं वो आगे बेचता हूँ। तो अगर तुम्हें ताजगी से कोई परेशानी है तो तुम्हें उससे बात करनी चाहिए, मुझसे नहीं लुल्लू। बात करो उससे। चैंग, ये सब क्या लगा रखा है भाई? तुम्हें सच बताओ, अभी तुम झूठ बोल रहे हो। युवान दाइगो, क्या तुम अभी भी वही हो? हाँ। क्या आज तक इसके पहले कभी परेशानी आई थी, कभी भी? बताओ। नहीं। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो चैंग, तुम तो सड़े हुए कीड़े निकले। जो तुम मुझे देते हो मैं वो आगे देता हूँ। अगर सामने की ताजगी में कोई परेशानी है तो वो मेरी नहीं तुम्हारी गलती है। अबे मेरा सामान ताजा रहता है। मुंह बंद रख। तूने काटा है तो तुझे ही खाना पड़ेगा। अबे चल चल, मुझे तुझसे बात नहीं कर रही, समझा क्या झिंगूर के बच्चे। हाँ, और मैं 3 घंटे सफर करके आया इसका पता लगाने के लिए। बड़े भाई माफ करना, तो कहाँ थे हम? आधे वजन के पौने। आधा वजन? आधा वजन? तू कौन होता है आधा वजन कहने वाला? तू? खैर तेरे साइज को छोड़ के हम मुद्दे वाली बात करते हैं। बोल किसने काटा है? मैंने पहले भी कहा, जो तुम देते हो मैं वो ही आगे जाके देता हूँ। अबे तू क्या कर रहा है, तुझे पता है कि नहीं सुअर की शक्ल? अबे तेरी तो बॉस को खत्म कर दो यार। जिमी, Oh,
सुनो बिली, मैंने एक को उड़ा दिया, तुम्हारा क्या हो रहा है? पीछे हो जा हरामजादे। भाड़ में जा तू। क्या बोलता है डार्लिंग? भाड़। ए सड़क पीछे हटो। बंदूक की गोली को भी अभी खत्म होना था। सब लोग अपनी बंदूक को नीचे रख दो, फेंक दो सब अपनी बंदूकों को। फेंक दो उसे, मारो। ए, फेंक दे, तुझे क्या अलग से इनविटेशन दूंगा मैं? जल्दी। 5 करोड़ दे रहा हूँ मैं, 5 करोड़। हाँ, चाहिए क्या? ए, सुनो, गोली चलाओ इस पे, ठीक है दोस्तों? मैं नहीं मारूंगा तुम्हारे बंदे को, समझे? नहीं 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 नहीं, तुम्हें ऐसे करने की जरूरत नहीं है, मत करो। मेरा एक परिवार है, ठीक है? मेरा परिवार है, मेरे बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे मेरा। देखो भाई लोग, मेरा परिवार है, मेरी एक ही बीवी है, 2 ही बच्चे हैं। नहीं, भेजे में बात घुस रही है। दिली, तुम जानते हो ना क्या करना है? नहीं नहीं, ऐसे मत करो। नहीं नहीं, ऐसे मत करो। बिल्ली, तुझे ही करना होगा। ट्रिगर खींचो और गोली चला। गुड मॉर्निंग टिफनी, आज मैं तुम्हारे पापा के साथ जाऊंगी, क्या तुम आओगी हमारे साथ? शायद नहीं। बिल्कुल सही कहा तुमने, वाजिब है तुम्हारी बात, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू स्वीटी। टिफनी, मैं नहीं चाहता कि तुम आज रात जैक के घर जाओ, मैं चाहता हूँ कि तुम सीधा घर आओ। जी बिल्कुल, क्या आपको हमेशा ऐसे ही जाना पड़ता है? जाना तो पड़ेगा। उनके साथ यहाँ रहना मुझे पसंद नहीं है। क्या ये सब फिर से शुरू करना है? आप जानते हैं कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। हाँ, सुधर जाएगा और थोड़ा समय लगेगा। लेकिन आपने इसे कोई समय नहीं दिया था। मुझे अफसोस तुम्हारी माँ के लिए सबसे ज्यादा है आज तक। उनके जाने के बाद आपने फिर शादी क्यों की? अकेलापन सिर्फ जवानों को नहीं सताता, क्या मेरी खुशी की कोई अहमियत नहीं? बिल्कुल करती है। मेरे लिए ठीक है, जब मैं यहां नहीं रहूंगा तुम अच्छे से रहना, और तुम जानती हो मैं कहां मिलूंगा।
हेलो। हे बिली, आज की रात एक पार्टी है, तुम्हें भी आना है वहां। तुम श्योर हो? ओए बिली। हाँ। अपने कंधे का जरा ख्याल रखना। वो सारा दिन मेरे पापा के पैसों से शॉपिंग करती है। 67%? यकीन होता है ये मार्क्स मुझे शॉ ने दिए? मुझे लगता है उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है। पता है मैंने कितना रिसर्च किया था इस प्रोजेक्ट के लिए, और उनका क्या कमेंट आता है इसके ऊपर कि ये रंग खेल नहीं रहा है। लगता है वो डैड को धोखा दे रही है। क्या किसी ने तुमसे कहा है कि तुम बहुत प्यारी हो? माँ के अलावा किसी ने नहीं। शायद तुम्हारे पापा भी ऐसा ही सोचते हैं, इसीलिए मुझे वो डराते हैं। वो तुम्हें डराते हैं? तुमने कभी देखा है वो मुझे कैसे देखते हैं जब हम एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं? ये वहम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने बिजनेस में उलझे रहते हैं। ठीक है, लेकिन सच में तुम्हें उस लालची औरत को भूल जाना चाहिए। मेरा मतलब, तुम जितना उससे लड़ोगी उतना ही तुम अपने पापा को तकलीफ भी दोगी। ये तो तुम्हारे साथ भी है और शौक के साथ भी। हाँ, लेकिन मेरे मार्क्स उन पर टिके हुए हैं और वो स्टाइल के बारे में कुछ नहीं जानती है। क्या तुम फिर से मेरे घर आना चाहोगी? नहीं आ सकती, डैड ने मुझे घर टाइम पे आने को कहा है, लेकिन हम स्काइप पे हैं। ठीक है। चुप करो, मुझसे ऐसी बात मत करो, तुम बहुत गंदे हो। ठीक है, मुझे अभी जाना होगा, जैसे वो आ जाए मुझे कॉल कर देना। ओके बाय। हाय स्वीटहार्ट। एनी, मेरी बैग लेके आ जाओ। हे दाई, तो प्लान क्या है? जल्दी हम एक अकाउंट बनाएंगे। वसूली? हाँ वसूली, लेकिन पहले अच्छे से बात करना। इस बार कौन होगा? एक टीनेजर। लग रहा है किसी के घर का मामला। नहीं, हम सिर्फ नॉक करके हेलो बोलेंगे। बॉस को, उसे थोड़ा आराम दो, उसे जाके बता दो। मैं लड़कों को बुलाता हूँ। नहीं पता इसका प्रॉब्लम क्या है, मैंने इसकी जान बचाई तब भी ये मुझसे नफरत करता है। क्या मैं तुम्हें तुम्हारी माँ की तरह दिख रहा हूँ? नहीं बॉस। तो मेरे सामने रोना बंद करो, बड़े बनो, एक मर्द बनो। हे बॉस को, मुझे बात करनी तुमसे। तुम्हें मुझसे कोई परेशानी है? हाँ मुझे है। क्या? मैं नहीं चाहता कि तुम यहां रहो और यहां के हालात बिगड़े। Hey. सलाम मिस्टर अमीर। ओ सलाम, कुछ नए चेहरे दिख रहे हैं मुझे। वो मेरे अंकल हैं मिस्टर बाओ। मिस्टर अमीर, अच्छा लगा आपसे मिलकर। स्वादिष्ट। जगह खूबसूरत है। शुक्रिया। हाँ मैं भी जानता हूं कि तुम्हारे खुद के पोशाक होंगे और हमारे भी अलग है, लेकिन मैं इसमें सख्ती नहीं करना चाहता हूँ। ओके, तो मुझे भरोसा है कि पासवर्ड और इन्फॉर्मेशन हमें टाइम टू टाइम मिल रहे हैं। इसमें सारी रिपोर्ट्स हैं प्रोग्रेस की। मेरे दोस्तों, मैं बहुत खुश हूं जो मैंने अभी देखा, और हमारा धंधा हमेशा के लिए बरकरार रहेगा। पैसे पहुंच जाएंगे तुम्हारे पास जब फाइनल प्रोडक्ट रेडी होगा।
इस बात पे जश्न मनता है। बिल्कुल, मैं इसके लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा था। चीयर्स नए दोस्तों के लिए। अंकल थोड़ी चाय लेंगे? क्या इन पर भरोसा कर सकते हैं? मैंने आज तक कभी शिकस्त नहीं खाई है। क्या तुम्हें मकाओ का हादसा याद है? हाँ याद है। बहुत अच्छे। देखो, हम जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, क्या वो हमारे किसी काम का नहीं? हमारे लिए बेकार है पर उनके लिए फायदेमंद होगा। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि उनसे पैसे पहले मिल जाएंगे? उन्होंने पहले कभी डबल क्रॉस नहीं किया। देखो, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मकाऊ वाला हादसा दोबारा हो, इसलिए हमेशा सावधान रहना। हम पैसे नहीं हारेंगे अंकल। तो क्या हम इतने सारे पैसे खो सकते हैं? हाँ, लेकिन इससे 100 गुना ज्यादा पैसे हमारे पास वापस आएंगे अंकल। हेलो, तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है? हाँ, वैसे ही होगा बॉस। वो खबर याद है चाऊ? हम उसका ख्याल रख लेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। डाइगो, अभी नहीं। एक परेशानी हो गई है। दरअसल बात सिमोन की है। क्या वो यहाँ है? नहीं, मुझे उसी के बारे में बात करनी थी। हमें इतना पता चला कि वो शहर छोड़ रहा है। कब? अभी इसी वक्त। तो उसका ख्याल रखना। वो एक पागल साइको है, मैं उसके साथ सौदा नहीं कर सकता। बिली, मेरी तरफ से तुम जाओ। ठीक है। हाँ बड़े भाई, मेरी बात सुनो। बिली, मेरे पास तुम्हारे लिए एक जरूरी काम। जरूर, जैसा आप बोलो। जिस लड़की को हम उठाने वाले हैं वो मेरे लिए काफी खास है। मैं ये चाहता हूँ कि तुम ये काम करो, और इस बात का ध्यान रखना कि उसे कुछ भी ना हो। इसकी चिंता आप मत करो, लेकिन आप श्योर हैं कि बॉस को इसके बारे में कुछ नहीं कहेगा? उसकी फिक्र तुम मत करो, यहां मैं इंचार्ज हूं। ठीक है, समझ गए ना? बढ़िया। सुनो टॉमी, दो और दे दो प्लीज। हाँ लाता हूँ। कौन था ये? ऐसे ही एक लड़की है,
कौन सी लड़की? इससे मैं कल रात ही मिला। तो भला हम उससे कैसे नहीं मिले? मैंने बिल्कुल अभी बताया कि मैं कल रात ही मिला हूं, मुझे जाना। इतनी भी क्या जरूरी है कि तुम शराब नहीं पी सकते, वो भी दोस्तों के साथ? क्यों, सही कहा ना? मुझे उस लड़की से मिलने जाना है। लड़की का नाम क्या है? लीसा। लीसा, तुम मिले हो लीसा से? इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? मिले, गरम खून है। मैं इस लड़की से मिलना चाहूंगा। मेरी बात सुनो, बेहतर होगा कि तुम मेरे साथ आओ और उस लड़की के सामने खड़े होकर जितने भी सवाल है वो सब करो, जो तुम चाहते हो। मैं तो जाऊंगा। हे, ये मैं हूं। देखो, तुम मुझे ऐसे कॉल नहीं कर सकती। क्या मतलब है? आज रात नहीं मिल पाऊंगा, कल मिले? ठीक है, 11 बजे, जगह तुम जानती हो, मुझे जाना है। क्या तुम जानती हो ऐसे मिलना कितना खतरनाक है? मुझे तुमसे बात करनी है। तुम मुझे आधी रात में भी कॉल कर सकती थी। ये बहुत जरूरी है। क्या हम रात को बात कर सकते हैं? नहीं। क्या मतलब है? मैं प्रेग्नेंट हूं। तुम क्या? 3 महीने हो चुके हैं। तुम कुछ बोलोगे नहीं? मैं सोच रहा हूं कि कैसे रिएक्ट करूं। हम हमेशा इसी बारे में तो बात करते थे। जानता हूं, ये बिल्कुल भी सही वक्त नहीं है। अगर उन्हें मेरे बारे में कुछ भी पता लगा फिर वो तुम्हें इस्तेमाल करेंगे। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है तुम्हें यही जिंदगी पसंद है, असली दुनिया से ज्यादा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं जाके अल्ट्रासाउंड करती हूं, तुम अपना ही काम करो। सुनो, मैं देखो, मेरा परिवार है, मेरी वाइफ है, मेरा एक बच्चा है। नहीं प्लीज, देखो ऐसे मत करो। बिली, तुम्हें पता है ना क्या करना है? नहीं देखो, मत करो, गोली चलाओ मुझे, मत मारो, गोली चलाओ बिली। गोली चलाओ बिली। नहीं, डोंट डू दैट। एक जगह तो गुड लक का चार्म परिवार की निशानी है। तो तुम्हारे पास मेरे लिए क्या है? घर पर हमला होगा। कब? बहुत जल्दी होने वाला है, हमें अभी तक नहीं बताया कहाँ होगा। तो कहाँ और कब ये नहीं पता? ये जानकारी तो बहुत कम है। एक बिजनेसमैन एशियन, मुझे अभी तक नहीं पता कि उसका नाम क्या है, मुझे सिर्फ उसकी बेटी को उठाने के लिए बोला। तुम सिर्फ मीटिंग के लिए ही कॉल कर सकते हो या तब जब कोई इमरजेंसी हो या अरेस्ट करे? तुम्हें आइडिया भी है ये मीटिंग कितना खतरनाक होता है? मुझसे तब बात करना जब सब कुछ हाथ लगे। कुछ और भी है। बताओ क्या है? मुझे सब छोड़ना है। ये कोई क्लब की पार्टी नहीं है, यहां से निकल नहीं सकते। ये तो काम है तुम्हारा जिसके लिए तुम माने थे। वैसे भी तुम काफी अंदर घुस चुके हो और इसका नतीजा भी सामने आने वाला है। मैं जानता हूं, लेकिन अभी सबसे बाहर निकलना। क्यों? मलिंडा प्रेग्नेंट है,
अगर उन्होंने उसे ढूंढ लिया तो? कुछ नहीं होगा जब तक तुम प्रोटोकॉल को मानोगे। मैं जानता हूं ऐसे काम की वजह से जिंदगी संभालना मुश्किल है, लेकिन यौन खतरनाक इंसान है। हमारे पास बस यही एक मौका है और तुम मुझे मुसीबत में मत डालो। तुमने उसके बारे में सोचा था ना? यस सर। अगर अभी हमने तुम्हें निकाला और वो हमला करने के लिए घर की तरफ निकल पड़े तो तुम्हारी जगह कौन लेगा? जब तुम्हारे हाथ कुछ खबर लगे तो मुझे कॉल करना। जरूरी बात है। क्या? मैं प्रेग्नेंट हूं। अब यहां से नहीं निकल सकते। दिलीप, तुम्हें पता है ना क्या करना है? तुमने यह काम एक सौदे के नाम पे लिया था। तुमने उसके बारे में सोचा था ना? यस सर। और अभी हमने तुम्हें निकाला और वो घर की तरफ हमला करने निकल पड़े तो तुम्हारी जगह कौन लेगा? क्या मैं अंदर आ सकता हूं? हाँ, अंदर आओ। हाँ, गायब कहां हो गए थे तुम? काम। तुम जानते हो सब तुम्हें लेकर काफी चिंता में थे। मैं जानता हूं मेलिंडा प्रेग्नेंट है। तुम्हारा बच्चा है? हाँ, मेरा ही है। मुझे लगा तुम बिछड़ गए। अभी हम दोनों में चीजें ठीक हो रही हैं। वाह, मुबारक हो। सुनो, मैं तुमसे यहां एक एहसान मांगने आया हूं। ये तो पापा का है ना? अगर कुछ भी हुआ मेरे साथ, मतलब कुछ भी हो सकता है, तो मैं चाहता हूं तुम मेरे बच्चे और मेलिंडा का ध्यान रखो। क्या? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं एक अंडरकवर केस पे काम कर रहा हूं जिसके हालात बहुत खराब है। अंडरकवर? तुम इसमें कैसे पड़ गए? काश मैं तुम्हें बता सकता। तो अगर हालात बदतर हो गए तो तुम बाहर निकल जाओ। मैं चाहके भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं? मैं ऐसी दलदल में घुस गया हूं जहां से आना नामुमकिन है। तुम हमेशा सुपर हीरो बनते हो ना? ये बस एक नौकरी ही तो है। सुनो, मुझे अभी किसी हमलावर को पकड़ने जाना है। मुझे तो लगता है तुमने खुद को गर्म पानी में ढकेल दिया है। सही कहा ना? उस हराम
हमी ने 7 साल की बच्ची के साथ रेप किया था, उसके साथ इससे भी गंदा होना चाहिए था। अगर मैंने उसे दोबारा देखा तो बिना सोचे समझे मैं फिर उसे मारूंगा। यह लड़का कोमा में है, शायद उठेगा भी नहीं अब। सर अगर आप बुरा ना माने तो इन सवालों का मतलब क्या है? मुझे नहीं लगता कि तुम हालात की जड़ को समझ रहे हो, लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी है, मेरे पास एक रास्ता है। मैं सुन रहा हूं। तुम मेरे लिए अंडरकवर का काम करो। मैं तैयार हूं। उस वक्त मेरे सामने दो चीजें थी, या तो मैं नौकरी छोड़कर कुछ सालों के लिए जेल चला जाऊं, या इस केस में अंदर घुसकर अंडरकवर एजेंट बनकर मैं काम करूं। कितने गहरे घुसे हो तुम? उतना अंदर जितना मैं जा सकता हूं। और कौन है वो लोग? ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन अगर उन्हें मेरी सच्चाई के बारे में पता लगा तुम सोच भी नहीं सकते कि वो लोग कितने खतरनाक हैं। तो छोड़ दो ये काम, छोड़ दो ये केस। यहां ऐसे काम नहीं होते। देखो मैं तुम्हारी यहां सलाह लेने नहीं आया था, मुझे लगा भाई के नाते तुम मदद करोगे। बड़े भाई का गुनगाना बंद करो, तुम्हें महीनों से किसी ने देखा नहीं। ये भी नहीं, और तुम यहाँ आए हो आधी रात में ये कहने कि तुम परेशानी में हो, और तुम्हारा परिवार भी खतरे में है साथ ही, और मेरा भी, मेरा परिवार भी। मुझे नहीं पता था वो प्रेग्नेंट थी जब मैंने बात केस ये नहीं। एक दिन तुम सीखोगे कि कैसे अपने ऐसी की तैसी करनी है। तुम्हारे भेजे में बात घुस रही है या नहीं? सुनो, अगर इस केस में मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी बीवी बच्चों को दे देना। हाय टिफनी। फिर से शॉपिंग? क्या बात है। मेरे हिसाब से वही करना चाहिए जो हमें पसंद हो। इसमें कोई बहुत खुशी की बात नहीं है। देखो टिफनी, मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। किस लिए? ऐसी अजीब सी हालात बनाने के लिए। मैं जानती हूँ मुझे अपनाना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, लेकिन तुम्हारे पापा और मैंने एक दूसरे को ढूंढा जब हमें एक दूसरे की ज्यादा जरूरत थी। मैं तुम्हारी माँ की जगह कभी नहीं ले सकती, और मैं तुम्हें तुम्हारे पापा से कभी दूर भी नहीं करूंगी। मैं बस उनको खुश रखना चाहती हूँ जैसे वो मुझे खुश रखते हैं। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ, मगर मैं जानती हूँ कि ये एक रात में नहीं हो सकता। तो मेरे लिए? हाँ, ये मत समझो कि रिश्वत है, ये गिफ्ट है तुम्हारे पापा और मेरी तरफ से। ये बहुत सुंदर है, धन्यवाद। हमने उस दिन देखा और हमें लगा ये तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है, और तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें अगले हफ्ते ले जाए। ये एक अच्छा आइडिया है। जाओ जैक को कॉल करो, उसे कहो कि अगले हफ्ते तुम्हें ले जाए। नहीं कर सकती, डैड के आने तक मैं उससे नहीं मिल सकती। खैर, तुम्हारे पापा तो अभी यहाँ पर नहीं है। हाय डैडी। हेलो स्वीटी। सब ठीक है? मुझे गिफ्ट मिल गया है जो आपने और लुसिंदा ने खरीदा था। कोई बात नहीं बेटा। पता है लुसिंदा इतनी भी बुरी नहीं है, शायद मैं उसके पास आ रही हूँ। ये कैसी आवाज है?
बॉस ने तो कहा था कि यहाँ पे लोग होंगे। मुझे नहीं पता। बिले, तुम मेरे साथ रहो। जिमे, घर में कोई आया है, वो भी दो एक साथ, उनको मारना नहीं। हाँ ठीक है बॉस। हाँ, बहुत सारी गाड़ियां हैं, हमें अभी चेक करना चाहिए। हाँ तुम दोनों यहां पर क्या कर रहे हो? ऐसे ही आ गए हमेशा की तरह। वैसे इतनी सारी गाड़ियां बाहर क्या कर रही है? ये सब मेरे दोस्तों की गाड़ी है, उन्होंने यहाँ पर खड़ी की है। दरअसल हम आज डिनर पार्टी कर रहे हैं, तो तुम दोनों जा सकते हो यहाँ से। ठीक है, मजे करो। कुछ तो गड़बड़ है भाई। तुम्हारा मतलब क्या है? लुसिंडा ने दरवाजे पर जवाब दिया, उसने पहले कभी ऐसा नहीं किया। ये एनिसा का काम हो सकता है। मैं आपको कॉल बैक करती हूँ। लव यू टू। हिलने मत। वैसे आज बहुत खूबसूरत लग रही है। गीदड़ आखिर हो कौन? अपना मुंह बंद करो। पकड़ लिया। इसको यहां से लेके जाओ। दी, इसे पीछे की तरफ ले जाओ, इसे कोई देख ना पाए। जाओ। ये दो गधे कौन है? तुम्हें कुछ कहना भी है मेरे बच्चे? तुझे पता ही है किसका घर है? बिल्कुल पता है, तुम्हारे बॉस के पास कर्ज है। मेरा मेरा बॉस तुम सबको खरीद सकता है, समझे क्या? 2 करोड़। 2 करोड़ के लिए तुम उनकी फैमिली को डरा रहे हो? तुम्हें पता है तुम्हारी हालत क्या होने वाली है? एक बिजनेसमैन हमारा क्या बिगाड़ सकता है? बिजनेसमैन, वो मेजर ड्रैगन हेड है, समझे क्या? तुम लोग बहुत बेवकूफ हो। शिट, तुम्हें पता था? चुप रहो, हम ये संभाल लेंगे। शिट, अब बांधो भी इसे। मेरा मनपसंद काम एक औरत के साथ। तो करो जिमी। चुपचाप चल साले। हाँ बोलो। लड़के जी के बारे में जान गए हैं, वो जानते हैं कि वो ड्रैगन हेड है। क्या यही परेशानी है? नहीं। बढ़िया, प्लान पे टिके रहो। ठीक है। क्या चाहिए तुम्हें? अब चुप करो, आवाज बिल्कुल नहीं। इसे कुछ नहीं होना चाहिए, बिली की बात मानना। इसकी बात क्यों? क्योंकि डाइगो ने कहा है, समझ गए? हे, क्या कर रहे हो? नीचे लेटो। छोड़ो, मुझे जाने दो, मुझे टच मत करो। चुप चुप, ए चुप, छोड़ो से, चुप। उठो। ये तुम क्या करने जा रहे हो? बस मैंने उसके हाथ खोले। अगर पूरे दिन कोई तुम्हारे हाथ बांधे पीछे तो तुम्हें कैसा लगेगा? बताओ मुझे। मुझे पता है तुम्हारी किस्मत अच्छी है, ये अच्छा इंसान है। वो वैसे भी कहीं नहीं जाएगी। कौन थे ये लोग?
वो लोग गुंडे हैं, आप परेशान मत होइए, अभी वो चले गए। मेरे हाथ खोलिए। क्या हो रहा है वहां पर? सी, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे कहूं। मैं कुछ नहीं कर पाई, टिफनी को ले गए। कौन ले गए? मुझे नहीं पता है। गहरी सांस लो और ठीक से बोलो कि उन्हें क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें टेक्नोलॉजी की कॉपी चाहिए जो तुम्हारे पास है। उन्होंने कहा तुम सब कुछ जानते हो। तुम्हें लगे तो नहीं? नहीं, पर वो टिफनी को ले गए, हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। हम ऐसा नहीं कर सकते। सुनो, मैं अभी वापस आ रहा हूं। मैं जितना जल्दी हो सकेगा आ जाऊंगा। कैरेक्सन और टोनी वहां पर है? हाँ। उन दोनों। सॉरी बॉस, वो लोग यहां से भाग गए। वो चिंग टाओ टोली के थे। क्या तुम्हें यकीन है? हाँ सर, वही थे। मैंने उनके चेहरे देखे। सुनो, उनके पास जाओ और मेरी बेटी वापस ले आओ। याद रखना कि ये दोबारा होने ना पाए। हाँ। तुम समझ रहे हो ना? जी बॉस। उस लड़की को हमने पकड़ लिया है। बिली और जिमी उस पर नजर रख रहे हैं। बहुत बढ़िया, आज का दिन काफी कीमती होगा। आपको पता है ना, यह मामला तुरंत बिगड़ सकता है, तो बिली पर इतना यकीन क्यों? उसने तुम्हारी जिंदगी बचाई थी, है ना? मुझे उसके मदद की जरूरत नहीं। दोनों लड़कों को मैं लेके जा रहा हूं, मैं आपको वहीं मिलूंगा। शुक्रिया तुमने जो आज किया। इसलिए? मेरे हाथ खोलने के लिए। कोई बात नहीं। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? टिफनी लॉन्ग। तुम्हारा? बिली। हे, तुम आखिर ये कर क्या रहे हो? तुम अपना नाम उसे मत बताओ। मैंने उसे अपना पूरा नाम नहीं बताया। इसके करीब आने की जरूरत नहीं। कहाँ है वो? बाहर में जाओ। मेरे पास पूरा दिन बचा है। ये लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या चाहते हैं मुझसे? तुम्हारे डैड की वजह से। डैड? डैड की वजह से क्यों? तुम अपने डैड का काम जानती हो? वो एक कंप्यूटर कंपनी चलाते हैं। तुम्हारे डैड एक ट्राई ड्रैगन हेड है। क्या? गैंगस्टर, चाइनीज माफिया के बारे में जानती हो? ऐसा नहीं हो सकता। वो दुनिया के सबसे अच्छे इंसान है। बिल्कुल, वो दुनिया के सामने ना समझ और नादान बने रहते हैं। ये किस तरह का लॉजिक है? कोई भी कैसे गैंगस्टर हो सकता है? तुम्हारे डैड का क्या नाम है? मिस्टर शिलोंग। Thank you.
हाँ मैं मैकी बोल रहा हूँ। मुझे एक सर्वेलेंस का सेटअप चाहिए स्लीपिंग डॉग्स होटल में तुरंत। मैं बता रहा हूँ दोस्त, कभी घाई घाई में मत लो, जल्दी में वो भूल जाते हैं। क्या वो लोग फिर से चटनी डालना भूल गए? हाँ और प्याज भी डालना भूल गए। मैं हमेशा 3 चीजें ऑर्डर देता हूँ, थोड़ा सा फ्राई और स्पेशल प्याज देने को बोलता हूँ। तुम्हें लगता है ये लोग ठीक से करेंगे? अंदर चेक करो, वहीं हो। ये तुम क्या कर रही हो? दो, मुझे दो। क्या कर रहे हो? इस साली ने किसी को मैसेज कर दिया। सच में? बताओ मुझे, मुंह खोलो, मुझे दो। तुमने किसको मैसेज किया? बताओ मुझे, तुमने किसको मैसेज किया? मैं देखता हूँ, मुझे दो। कौन बोल रहा है? टिफनी कहाँ है? अगर तुमने पुलिस को फोन किया तो दोबारा उसे नहीं देख पाओगे। रुको रुको, कौन है ये? कौन था ये? बॉयफ्रेंड। धत तरीके, बॉयफ्रेंड? आराम से यार, कितने साल का है वो? 19 साल का। 19 साल का बच्चा है वो, क्या ही कर लेगा यार। उसके पास तुम्हारा नंबर है, वो पुलिस को फोन कर सकता है। वो नहीं जानता कि हम लोग कहाँ हैं, हम कहीं भी हो सकते हैं। साली हरामी, दोबारा करने की कोशिश मत करना, समझे? दूर हटो इसे। तू मुझे मत छू, तुमने परेशानी खड़ी कर दी, तुम्हें ही ठीक करना होगा। क्या चल रहा है? डायगो, मैंने सब खराब कर दिया। क्या खराब किया? इस लड़की ने एक मैसेज किया है। क्या मतलब है कि मैसेज किया? कैसे? ये सब मेरी गलती है, जैसे ही मेरा ध्यान हटा उसने मेरा फोन ले लिया। क्या भेजा उसने? उसने अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज किया और बताया मैं होटल में किडनैप हूं। क्या हमें उसे छोड़ देना चाहिए? नहीं, जब तक उनको पता चलेगा ये कहां है तब तक सब काम हो जाएगा। तुमने ये बड़ी गलती कर दी बिली, अब कोई गलती मत करना, समझे ना? हाँ समझ गया। क्या कहा उसने? क्या हम निकल रहे हैं? उसने रुकने के लिए कहा है। मैं क्या मजाक कर रहा है? अगर किसी ने ट्राई कर लिया तो क्या होगा? समझ नहीं आ रहा, इतनी वाहियात चीज वो कैसे कर सकते हैं? तुम शांत हो जाओ। शिट, हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। जल्दी ये सौदा होने वाला है, बस थोड़ा सा सब्र रखो। बाबू अंकल, एक छोटी सी परेशानी है। मेरी बेटी का अपहरण हो गया है, अब बदले में वो ये प्रोडक्ट चाहते हैं। क्या ये सौदा अभी भी पर्सियन लोगों के साथ है? हाँ, हम उस पर काम कर रहे हैं। सौदा होने वाला है या नहीं, मैंने ये पूछा। हाँ हाँ, सौदा चल रहा है। मुझे तुम्हारे परिवार की बात नहीं जाननी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे सौदे का क्या हुआ। मुझे बताओ ये सक्सेसफुल होगा या नहीं। समझ गया। मेट्रो इंडस्ट्रियल पार्क। हाँ सर, ये जानकारी हमारे पास पहले से है। बढ़िया, और एक्शन, कोई पीछा करो लुसिंडा का। हाँ वो पता कर रहे हैं। हाँ सुनिए, हमारी जगह उन्हें मिल गई। क्या, कब? बस अभी। जी साले हरामी। देखिए वो हमारे पीछे है, लड़कों को कहीं वहां पर अटैक होगा। पता करो कि कौन बचा है, फिर सबको साथ रखो, ये सौदा होने दो बस। उसकी बेटी की कीमत तो अब लगेगी, समझे? समझ गया।
इस तरह घूर कर मत देख। तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दूंगा, समझे? तूने मुझे धक्का दिया, उसे धक्का नहीं देना दोबारा। तो तुम क्या करोगे, मुझे मारोगे? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे मारने की? मुझे पता था तू है डरपोक। जी। हेलो मिस्टर आमिर, मुझे ऐसा सुनने में आया है कि कोई और भी है जिसे ये प्रोडक्ट चाहिए। इससे परेशानी नहीं होगी। बकवास, कौन है वो अलग सोर्स? कोई इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकता है मेरे अलावा। मिस्टर आमिर, इस मामले पे मेरी नजर है। मैं उम्मीद करता हूं कि रात में मुझे डिलीवरी हो जानी चाहिए। मैं ये काम कल तक कर पाऊंगा, मुझे किसी जरूरी काम से घर जाना है। हमने इस वजह से एग्री नहीं किया था, समझे? वादा करता हूं कि आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। लेकिन वो दूसरे ग्राहक का क्या? ओके, मुझसे वैंकूवर में मिलिए और मैं आपको पार्टी से मिलवाऊंगा कल। टोरी, मैं वापस आ गया, मुझे स्टेटस का अपडेट दो। फाइनल रिकॉर्ड्स तैयार हो चुके हैं, सब कुछ रेडी है। बढ़िया, मुझे 10 मिनट मेरे घर में मिलो। जी सर। हाँ रेक्सन। जी सर। क्या सब तैयार है? जी, सब लोग रेडी है। हे बॉस को। हाँ हम सब संभालेंगे। हाँ ये बहुत ही बेवकूफी वाला था। ठीक है, हम इसे नहीं चला रहे हैं। सुनो प्यारे बच्चे, पापा की परी बनने का समय आ चुका, तैयार रहो। चलो चलो। जिमी रुको, वहां जाके रुको। जिमी को बोलो अपना फोन ऑन छोड़ जाए। ठीक है। उस लड़के को जगह से दूर रखना, हम उसे मार देंगे। लेकिन क्यों? मुझसे सवाल मत करो, बस वैसा करो जैसा कहता हूं। मैं इसे लेके जाता हूं। नहीं, मैं देखता हूं। डाइगो चाहता है कि मैं उसे ऊपर लेकर जाऊं। रास्ता छोड़ो। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या? मैंने कहा न ले जा रहा हूं। वो चाहता है कि इसे इसके बाप के सामने लेकर जाओ। क्या बकवास है, मैंने अभी तक इसे मजे भी नहीं लिया। चलो साथ इसे ऊपर लेकर जाओ। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। प्लीज, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मेरे डैड तुम्हें पैसे शांत देंगे। वे लोग रास्ते में, वो तैयार है। ठीक है, हमने वो जगह घेर लिया है, उस लड़की को वहां से निकालो। जैसे ही तुम चले जाओगे हम वहां आ जाएंगे। से बात कर रहे थे? रुको। शिट, वो लोग यहाँ पहुंच गए। चलो हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। जल्दी करो। क्या चल रहा है? सुनो, नहीं समझा सकता, मेरे ऊपर भरोसा करो। अगर तुम्हें सच में अपने डैड से दोबारा मिलना है, सोचने का वक्त नहीं है। सुनो, अगर कुछ भी होता है तो तुम डरना मत, हमें बस यहाँ से निकलना है। रेडी? हाँ। सब लोग तैयार रहो, टारगेट पे नजर रखो, वहां अभी भी हमारा एक आदमी है। कॉपी दैट। सी, मैं कितनी डर गई थी। क्या तुम्हें लगता है टिफनी बच जाएगी? हम उसे वापस लाएंगे, परेशान मत हो।
पासवर्ड और फाइल सब तैयार हैं। गुड। ये सिर्फ बचाव के लिए है और मैंने इन्हें सुरक्षित रखा है। इन पर एक वायरस भी डाल दिया है। बहुत बढ़िया काम किया तुमने, थैंक यू। प्लीज हमारे साथ चलो। यहां से चलते हैं। ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है, चलो। बिली! शिट, तुम अंदर जाओ जल्दी। ये सब तुम क्या कर रहे हो? तुम कर क्या रहे हो? मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं समझा सकता। क्या समझाओगे तुम? तुमने तो उसे आजाद छोड़ दिया। शिट! सुनो, वो एक मासूम है, वो इसे मारना चाहते हैं। क्या बोले तुम? बास्को ने सही कहा था, तुम एक पुलिस वाले हो, तुम क्या बोलोगे? हे बॉस्को, तुम यहां क्या कर रहे हो? जी रास्ते में है, जिमी कहां है? वो लड़की के साथ है, साथ हो मेरे। तो ये बात है, शायद तुम्हारे पास मेरी एक अमानत है और मुझे यकीन है कि उसके बदले तुम कुछ लाए हो। अच्छा होगा अगर वो जिंदा और सुरक्षित हुई तो। वो है जब तक कि मेरे आदमी के साथ है। मेरे ख्याल से शायद तुम कुछ सरप्राइज चाहते हो। मैं हमेशा पुलिस के हाथों मरना चाहता था। मुझे तुम्हें उससे नहीं बचाना चाहिए था। अब मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। क्या तुम ठीक हो? जिमी कहाँ है? उसकी फिक्र मत करो, चलो। क्या तुम वो पैकेज लाए? खुश हो? अगर नहीं होता तो तुम्हें पता लग जाता। तुम्हारे जैसे किसान को इस बारे में क्या पता होगा? चाहो तो तुम्हारी बीवी अपने पास रख लूं। मेरी बेटी वापस करो। रुको, रुको। क्यों? डाइगो, बिली, सी अपनी बेटी को देखना चाहता है। हाँ बॉस, एक सेकेंड। डैडी, इसे यहां भी लाओ।
हमने कुछ सौदा किया था, क्या तुम सौदे की आधी बात भूल गए? सारा पैसा यहां है। और वो डेटा? इसकी बेटी को ले आओ। तुमने मेरी बीवी के बारे में कहा, क्या जानते हो तुम? मैं तुम दोनों के बारे में सब जानता हूं। यौन, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अब सारे पत्ते खुल चुके हैं। अब या तो तुम मेरी बीवी को रख लो या मेरे पैसे रख लो, दोनों नहीं। सच में? जाओ सब लोग। ये क्या चल रहा है? परेशान मत हो, सब ठीक है। अगर तुम मेरे साथ ज्यादा देर तक रही तो बहुत खतरनाक हो। यही रुको, मैं बाहर निकलने का रास्ता देख कर आता हूँ। पर वो लोग तुम्हें यहाँ नहीं ढूंढने आएंगे, ये स्टोर रूम है, ठीक है? रुको। सरप्राइज। कैसे हो दोस्त? मुझे माफ करना दोस्त, जेट लैग्ड हो गया था। अब तू कौन है बे? ओह वाह, तो यही है वो अदर सोर्स। क्या ये तुम्हारी जगह है? मुझे क्षमता तो दिख रही है लेकिन तुम फंस जाओगे किराया देते देते। सही कहा ना? तो धंधा कैसा चल रहा है? ये तुम्हारा धंधा नहीं है। तुम इतना बचाव क्यों कर रहे हो? एक सवाल का जवाब दो मुझे। दूसरा खरीदारी कौन है? तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। हाँ मुझे जानने की जरूरत नहीं है लेकिन मुझे जानने का मन है, कौन है खरीदार? अरे लगता है मुझे काम समझा रहा है। खैर हमारे पास बहुत समय है। बात यह है कि हमारे धंधे में ईमानदारी बहुत मुश्किल से आती है, तो जब हमें यह समय से मिलता रहा तो अब इसे यही रोकना चाहते हैं। और एक्चुअली तुम्हारी एक्टिविटीज ने मेरे और जी के रिश्ते पर बहुत असर किया है और हमारे दुनिया में यह सबसे ज्यादा बुरा रिश्ता है। तुमने मेरे सबसे ईमानदार रिश्ते के ऊपर मुझसे गुस्सा करवाया। तुम्हारा गुस्सा? मुझे लगता है तुम्हें अपनी बेटी से नहीं मिलना है। तुम डरे हो, लग रहे हो। डरो मत, ये लोग ये तुम्हें मारेंगे नहीं, ये बस तुम्हें याद दिलाएंगे कि मेरे जैसे खरीदार करने वाले से मिलके कैसा लगता है। मेरा गाड़ी में इंतजार करो। जाओ थोड़ी देर में आता। जाओ ना भाई। वेरी गुड, तुम मेरे लिए काफी नहीं हो।
भाई से मारने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये मेरे प्लान के मुताबिक नहीं था। लुसिंडा को मेरे पास लेके आओ। टोनी जाओ, जाकर उसे ले आओ। अगर मेरी बेटी को चोट भी आई तो मैं तुम्हें मार दूंगा। वो लड़की कहाँ है? वो जिमी के साथ है। नहीं डैडी, नहीं नहीं डैडी, ये तो मेरी मदद कर रहा था। टिफनी, क्या तुम ठीक हो? डैड, ये पुलिस वाला है। मैं ठीक हूँ। गोली चली है, सब लोग अंदर जाओ। मैंने देखा, इसने इसे छोड़ दिया था। तुम एक पुलिस वाले हो? मैंने भरोसा किया था बिल्ली, बल्कि जब बॉस को ने बोला मैंने नहीं सुना। तुम्हें उसे सुनना चाहिए था। Ah!
पीछे देखो। पुलिस अपने हाथ ऊपर करो। सब जमीन पर लेट जाओ, कोई भी ऊपर नहीं रहेगा। जमीन पर लेट जाओ, सब अपने हाथ ऊपर करो। हथियार फेंक दो सारे, इस तरफ आओ तुम। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। कोई नहीं हिलेगा। हिलोगे तो मारे जाओगे। सब एक लाइन में बैठ जाओ। क्लियर। हाथ ऊपर, कोई नहीं हिलेगा। ए, वहीं पे रहो। आराम से। यहां हमारे पास नर्स को भेज दो। मुझे एक बास्को के लिए भी चाहिए, लेकिन वो नहीं दिख रहा है। सारे दरवाजे बंद कर दो। पीछे हटो, ये हमारे साथ है। तुमने ये हमेशा साथ रखा था? ये बहुत अच्छा दिखता है, ये हमेशा मेरे साथ रहा है। शायद हमें ऐसा कुछ और खरीदना चाहिए। हाँ आराम से।